अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और इमान में रखे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट और उसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। लिक्विड स्टेट, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि मैटर के हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, लिक्विड है, गैसीय स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, और इनके अंदर हमने उस वक्त वाजह तौर पर डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे। मींस कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसकी खासियत ये है कि इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, और उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पेसेस हैं वो नहीं होती। जबकि लिक्विड में क्या होता है कि उसमें ना थोड़ी सी स्पेसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी शेप तो मेंटेन नहीं रख पाता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। और उसके बाद हमने गैसीय स्टेट को देखा कि गैसीय स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इतनी ज्यादा स्पेसेस आ जाती हैं कि वो अपना वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रख पाता और ना ही उसकी शेप मेंटेन होती है। तो गैसीय स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। इसके अंदर हम लोगों ने कई प्रॉपर्टीज पढ़नी है जैसे कि एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा इसमें हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। तो आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एवेपोरेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग। तो एवेपोरेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ The process of changing of a liquid into gas state। डेफिनेशन में वो आपसे कह रहा है कि किसी भी लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना, गैस फेज में चेंज होना, ये प्रोसेस evaporation कहलाएगा। तो evaporation it is the process of changing of a liquid into gas phase या state, कुछ भी आप word use कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी definition है। तो जी बच्चे, आप कोई भी liquid ले लें, ठीक है, जब वो liquid अपनी gaseous form में change होना शुरू होता है तो हम इस process को, इस phenomena को evaporation कहेंगे। अब हमारे पास ये जो process है वो एक endothermic process है। endothermic याद रखिएगा, एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, कैसे, क्योंकि जाहिर बात है कि जब मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो डेफिनेटली दे विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ जो आपकी बुक में भी मेंशन है। अब वो कहता है कि इफ यू हैव वन मोल ऑफ वाटर, अगर आपके पास सिर्फ एक मोल वाटर है, ठीक है, तो इफ यू हैव ओनली वन मोल ऑफ वाटर, आपके पास एक मोल वाटर का है, अब आप चाहते हैं कि आप इसको लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लेके जाएं, तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए आपको 40.7 किलो जाउल एनर्जी देनी होगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये वाटर का फॉर्मूला है H2O, और इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिक्विड ताकि हमें जरा इसको आसान हो जाए, ठीक है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया गैसियस फॉर्म में, ये है वाटर, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं गैस, यानी कि आपने इसको वेपोराइज कर दिया, इसके वेपर्स बना दिए, तो ये एवेपोरेशन हो गया। और इसको कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप इसे हीट नहीं देंगे, ये जब तक ये अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इसको लिक्विड से गैस में चेंज कर दें। तो वन मोल ऑफ वाटर इफ यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, तो आपको 40.7 किलो जाउल एनर्जी देनी होगी, और हम इसे डेल्टा एच यानी हीट ऑफ एंथैल्पी भी इसे कहते हैं, ये चेंज इन हीट भी आप इसे कह सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे मेंशन करेंगे, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो चेंज इन हीट आपने कितनी हीट इसको दी है, 40.7 किलो जाउल पर मोल,
एक मोल को 40.7 किलो जूल एनर्जी आप देंगे तो वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जी बच्चे, ये हमारे पास जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अब आगे जरा चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एवेपोरेशन होती क्यों है, देखें इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर ये वाटर ले लें या कोई भी एक लिक्विड ले लें, और ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं वो इनके मॉलिक्यूल्स हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोशन, यानी ये मूवमेंट कर रही है और इनकी रैंडम मूवमेंट होगी, कोई एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब मूवमेंट करते हुए डेफिनेटली इनकी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस वक्त जो आपको सरफेस पर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस से जो है वो क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट एनर्जी को, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं डेफिनेटली उन तक वो हीट कम पहुंचेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसी तरह अगर मैं इसको हीट करना शुरू कर देता हूं, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू हीट दिस सिलेंडर या ये जो बीकर है मेरे पास, मैं अगर इसको हीट करना शुरू करता हूँ तो क्या होगा कि हीट जो है, चूंकि मैं इसको हीट कर रहा हूँ बॉटम से, तो ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं डेफिनेटली दे विल एब्जॉर्ब हीट, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड। ठीक है, तो जो लिक्विड की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो सरफेस के करीब करीब मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज हो जाएगी, ठीक है, जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज, ये एवरेज के लिए मैंने लिखा है, तो जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज हो जाएगी, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फाइनली ये क्या करेगा, सरफेस पर आएगा और सरफेस पर आते ही यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा हम इसे क्या नाम दे देंगे, वेपर, ठीक है, या गैस। अब आपके सामने है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइनली वो जो है वो फाइनली क्या कर रहे हैं कि वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में चेंज हो रहे हैं, और हम इस प्रोसेस को नाम देंगे एवेपोरेशन। ठीक है, तो एवेपोरेशन आपको समझ आ गई होगी कि ये मॉलिक्यूल्स वही एवेपोरेट करेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और वो डेफिनेटली वो काइनेटिक एनर्जी ने कहां से मिलेगी, वो तमाम काइनेटिक एनर्जी अपने सराउंडिंग से ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो एक ये भी प्रोसेस आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो मॉलिक्यूल जब अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है। और नंबर टू, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि वही मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकलेंगे और वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि उनको हीट जो है वो कहां से मिल रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इन्हें बॉटम से हीट करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल्स बॉटम में है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे विल मूव टुवर्ड अपवर्ड, फाइनली सरफेस पर आएंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप हीट नहीं करेंगे तो फिर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये इस वहां से सराउंडिंग से ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये यहां से बाहर निकलते जाएंगे। तो जी बच्चे, ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, हम कहते हैं कि वेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और नंबर टू इसका टेम्परेचर के साथ भी एक रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैं जरा टेम्परेचर की बात कर लूं, तो याद रखिएगा जो एवेपोरेशन प्रोसेस है ना ये हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहता है, ये एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट भी है। ठीक है, इट कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर।
ये तमाम टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यू रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम होगा तो ये नहीं होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन होगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा, वो अपनी एवरेज से ज्यादा कर लेंगे, तो उनकी एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हर टेम्परेचर पर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। यानी सर्दियों के अंदर आप देखें तो जो वाटर होते हैं वो इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं करते, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। लेकिन अगर हम गर्मियों में देखें तो वो फौरी तौर पर एवेपोरेट कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी फौरी कवर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एवेपोरेट करते हैं। तो इट्स मींस कि एवेपोरेशन जो प्रोसेस है इट विल बी कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर्स, लेकिन उसकी स्पीड में फर्क आएगा, कम टेम्परेचर पर स्लो हो जाएगा और हाई टेम्परेचर पर फास्ट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें तो इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अब ये कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, देखिए बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे तो वो अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें तो आप जो है वो अल्कोहल ले लें, अल्कोहल C2H5OH जिसका फॉर्मूला है, तो आप अल्कोहल या स्प्रिट ले लें, ठीक है, वो भी डिस्टिल्ड अल्कोहल ही होती है, तो आप उसका एक ड्रॉप जो है वो अपनी हथेली पे गिरा लें, एक पाम के ऊपर ना आप उसका एक ड्रॉप गिरा लें, तो क्या होगा कि जैसे ही वो एवेपोरेट होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो हाथ का वो एरिया था जहां पर वो ड्रॉप मौजूद था उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। आपको महसूस होगा कि भाई ये एवेपोरेट हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह सिंपल सी है कि भाई जब वो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ओवरऑल पूरे लिक्विड की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से मज़ीद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। मैं इसे फिर से जरा एक्सप्लेन कर दूं, दोबारा से ये देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फाइनली ये यहां से बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकलेगा तो इस मॉलिक्यूल के बाहर निकलने पर इस पूरे लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वो कम होगी अब बाकी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सराउंडिंग से मजीद जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हम इसे क्या नाम देंगे, कूलिंग इफेक्ट। तो ये आपके पास जो है वो सेपरेट पैराग्राफ के ऊपर ये हेडिंग्स भी आपकी बनेगी और सिंपल आप मैं भी आपको मार्किंग करवा देता हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस, फिर टेम्परेचर, फिर कूलिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इनका फैक्टर्स जो हैं कुछ जिसके ऊपर एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ये जिसकी चेंज होने से एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो चेंज होता है। तो आइए जरा हम सबसे पहले इन फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। जी बच्चे, ये हमारे पास एवेपोरेशन है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स के अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करती है, सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर ये चेंज हो गए तो इससे एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी इनके चेंज करने से एवेपोरेशन जो है उस पर भी इफेक्ट आता है, इसलिए हम इन्हें फैक्टर्स ऑफ एवेपोरेशन कहेंगे, क्योंकि एवेपोरेशन जो है वो इनके चेंज होने से चेंज होगी। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है वो है सरफेस एरिया। अब याद रखिएगा कि बेटा जो एवेपोरेशन है ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, ठीक है। अगर सरफेस एरिया आप बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन जो है ये भी बढ़ेगी, इफ यू इंक्रीज सरफेस एरिया
so evaporation will also increase. अगर आप surface area decrease करेंगे तो definitely जो evaporation process होगा ये भी decrease हो जाएगा. कैसे? देखें, ये मेरे पास एक container है और इसमें मैंने एक liquid जो है वो ले लिया. Let's suppose ये मेरे पास एक ग्लास है और इसमें मैंने ये जो है वो लिक्विड फिल कर लिया है. अब डेफिनेटली ये इसमें वाटर है जो मैंने फिल कर लिया, ठीक है. अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बाहर निकलने के लिए जो एरिया है वो सिर्फ इतना अवेलेबल है. अब जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जारी बात है, जब तक पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा उनकी बारी नहीं आएगी. अगर मैं इसी पानी को किसी ऐसे कंटेनर में शिफ्ट कर दूं जिसका एरिया ज्यादा हो, जैसे ये मेरे पास अब एक कंटेनर है. अब आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर एरिया है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो जैसे ही मैं इसको इस वाले पोर्शन में शिफ्ट करूंगा लिक्विड को, तो डेफिनेटली यहां से अब मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है. यहां से एक वक्त में ये मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपोरेट कर सकते थे. अब यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये अपनी काइनेटिक एनर्जी फोड़ी पूरी करेंगे और मैक्सिमम वेपर्स बनकर बाहर निकलेंगे, जबकि यहां से इनके बाहर निकलने के लिए जो चांसेस थे वो कम थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा. इसी तरह अगर हम देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट है वो टेम्परेचर आ जाता है. अब टेम्परेचर में हमारे पास सीरियस सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और एवेपोरेशन भी बढ़ेगा. अब मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं कि भाई आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो एवेपोरेशन जो है ये भी इंक्रीज करेगी. और इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो एवेपोरेशन प्रोसेस है ये भी डिक्रीज करेगा. इट आल्सो डिक्रीज. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि गर्मियों के अंदर जो है वो पानी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, जबकि सर्दियों के अंदर जो पानी है वो इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता. उसकी वजह क्या है? क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम है. तो इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ेगा और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उसमें एवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाएगा. अब उसने इस चीज को समझाने के लिए छोटी सी एग्जांपल दी है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये दो कंटेनर है. अब इन कंटेनर के अंदर मैं डिफरेंट टेम्परेचर के लिक्विड डाल देता हूँ, यानी ये पानी ले लेते हैं लेट्स सपोज, और उस पानी के टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया. अब इसमें जो मैंने वाटर डाला है इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं रूम टेम्परेचर, और इसमें जो मैंने पानी डाला है इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है. तो इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज मैंने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया. अब जारी बात है इस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एवेपोरेट होकर बाहर निकलेंगे और इसका जो लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा उसी टाइम के अंदर जिस टाइम में हमने इसको भी रखा हुआ. लेकिन इसके अंदर क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो कम एवेपोरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है ना वो इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होगा, जबकि इसका लेवल ज्यादा जल्दी ड्रॉप हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब डिफरेंट हमारे पास जो है वो लिक्विड होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं. तो यहां पर मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो स्ट्रांग होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो एवेपोरेशन जो रेट है वो स्लो होगा, ठीक है, एवेपोरेशन विल बी स्लो डाउन. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो जो एवेपोरेशन रेट है वो फास्ट होगा. अब उसकी वजह क्या है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम टेम्परेचर के ऊपर भी
वहां से वेपर्स बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे आपको समझा देता हूं, ये मेरे पास अब एक कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड है। जाहिर बात है ये मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर यानी द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। जब यहां से मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है तो उसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए उसको ज्यादा हीट चाहिए, उसको ज्यादा टाइम चाहिए। तो डेफिनेटली अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा और इसका एवेपोरेशन रेट क्या होगा, स्लो होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वो थोड़े से टेम्परेचर पर भी, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करने पर भी इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगा और फौरन यहां से बाहर निकल आएगा। तो इसलिए उस लिक्विड का एवेपोरेशन रेट जो है वो ज्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है उनका एवेपोरेशन रेट स्लो होगा। यही वजह है कि अगर आप पेट्रोल ले लें, ठीक है, उसको जमीन पे गिरा दें और उसके साथ पानी जो है वो थोड़ा सा जमीन पे गिरा दें, जो पेट्रोल होगा वो फौरन एवेपोरेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, जबकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। सेम लाइक दिस एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है अल्कोहल की और वाटर की। तो जी बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, इसमें जो फैक्टर्स हैं वो मेनली आपने याद करने हैं और उसके ऊपर जो पैराग्राफ्स हैं उनकी हाइलाइट्स मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो आपने इसी तरह इसकी लर्निंग करनी होगी। जी बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एवेपोरेशन की आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी। अब इस एवेपोरेशन की जो हेडिंग है इसमें सबसे पहले जो है ना ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे सेकेंड लाइन तक, और इसके बाद सेकेंड लाइन से नेक्स्ट इक्वेशन तक जो है आप इस पर हेडिंग देंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, एवेपोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन की हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और ये एक्सप्लेनेशन की जो हेडिंग है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो पैराग्राफ के एंड तक चलेगी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर और एवेपोरेशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो ये कम्प्लीट यहाँ तक आपने मार्क कर दी है। इसके बाद हेडिंग आ जाएगी कूलिंग इफेक्ट, तो ये बेटा कम्प्लीट पैराग्राफ कूलिंग इफेक्ट में आएगा, इसमें इसके एग्जाम्पल भी गिवन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स, एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, हाइडिंग्स आर गिवन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें इनकी एग्जांपल जो है वो गिवन है, जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की ये एग्जांपल गिवन है, ये सेपरेट हाइडिंग देके लिखेंगे, इसी तरह टेम्परेचर की ये एग्जाम्पल सेपरेट गिवन है, और इसी तरह अगर आप सर्फेस एरिया देखें तो उसकी एग्जाम्पल सेपरेट गिवन है। आपने इनको एज इट इज़ लर्न करना है, यहाँ से दो क्वेश्चंस बनेंगे कि व्हाट इज एवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप इसमें फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, और अगर आपसे वो कहता है कि व्हाट इज एवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स, तो आपने डेफिनेशन लिखनी होगी और फिर डायरेक्ट फैक्टर्स लिखने होंगे। इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।